हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी क्लासेस बाय राजन वर्मा। सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की वैकेंसी आई हुई है और इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल देने जा रहा हूं, लेकिन उस सबसे पहले मैं आपको एक ये नोटिस पढ़ाना चाहता हूं। यू आर अगेन कॉशन दैट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिकुलेशन, एग्जामिनेशन डिटेल्स शुड बी फिल्ड एग्जैक्टली एज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। योर कैंडिडेचर में गेट कैंसल्ड इन केस ऑफ इन करेक्ट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है आपको फिर से चेतावनी दी जाती है कि आपका नाम, पापा का नाम, फादर नेम, मम्मी का नाम और डेट ऑफ बर्थ और हाई स्कूल का जो भी डिटेल है, सारी चीज़ें जो हैं आपके टेंथ सर्टिफिकेट के हिसाब से भरी जानी चाहिए। अगर कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन होता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे बताऊँगा आप सभी को 100% एक्यूरेसी के साथ। देखिए, जब आप कभी ऑफलाइन, जब आप कभी साइबर कैफे पे फॉर्म भरवाने जाते हैं तो उनसे कभी गलती हो जाती है फादर नेम में, मदर नेम में, कभी आपके कास्ट सर्टिफिकेट में गलत कर देते हैं, जनरल को ईडब्ल्यूएस कर देते हैं, ईडब्ल्यूएस को जनरल कर देते हैं, ओबीसी को एससी कर देते हैं, ये सारी गलतियां वहां पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो यहां पे आपको 100% एक्यूरेसी के साथ आपका घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म भरवाना चाहते हैं तो आप भरवा सकते हैं, घर बैठे आप ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं। इससे अच्छी सुविधा और क्या हो सकती है। व्हाट्सएप नंबर है 8423370 और यहाँ का नंबर अभी मैं आगे बताऊंगा। और फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी की जो फीस है 100 रुपये एग्जामिनेशन फीस है प्लस 50 रुपये आपका फॉर्म भरने का सर्विस चार्ज है, और एससी एसटी का एग्जामिनेशन फीस नहीं है, उनका 50 रुपये ही केवल फॉर्म भरने का चार्ज लिया जाएगा। और ये रहा ऑनलाइन सर्विस 0522@gmail.com, आपका कोई भी क्वेरी हो तो इस पे भी भेज सकते हैं। बाकी आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी डिटेल बता दी जाएगी। आपको जब आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको एक फॉर्मेट भेजा जाएगा, वो फॉर्मेट आपको देखना है, फिर अपने पेन और पेपर पे, पेन से पेपर पे डिटेल को लिख देना है जो चीज़ें मांगी जाएंगी, और आपको अपने सर्टिफिकेट जो है अडोब स्कैन एक आपका ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे आप स्कैन करेंगे तो जो आपका स्कैन, मतलब कैमरे की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं भी है तो इसे स्कैन करने के बाद वो आपका बिल्कुल स्कैन अच्छी क्वालिटी में हो जाएगा और उसे आप भेज देंगे। इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा और 3 दिन के अंदर जब आप भेज देंगे, 3 दिन के अंदर आपको इसका PDF दे दिया जाएगा, फॉर्म का PDF जो है आपको भेज दिया जाएगा, आपकी मेल ID पे भी भेज दिया जाएगा, ठीक है ना, आपकी मेल ID पे भी भेज दिया जाएगा, सारी डिटेल भेज दी जाएगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं फॉर्म के बारे में, तो फॉर्म ऑनलाइन आपका हो चुका है 29/1/2022 से और लास्ट डेट कब है 4/3/2022। ऑनलाइन सर, ये जो आपका फॉर्म भरवाने का डेट रहेगा, मैं केवल ये जो नंबर है, अच्छा ये जो नंबर है यही नंबर पे आपको करना है और यही सारी डिटेल आपको बताएंगे। ये मेरा नंबर नहीं है, ये मेरा नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो आपकी जो, आपका जो फॉर्म भरा जाएगा वो 1/1/3/1/3 के बाद किसी का भी फॉर्म नहीं लिया जाएगा, मतलब इनके द्वारा नहीं लिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पर कांस्टेबल फायर के लिए 12th मांगा गया है, इंटरमीडिएट मांगा गया है, प्लस साइंस के साथ मांगा गया है, मतलब कि आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चे नहीं भर सकते हैं ये फॉर्म, ठीक है ना। तो 12th प्लस साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, क्या स्ट्रीम होना चाहिए, साइंस स्ट्रीम के साथ होना चाहिए। एज लिमिट की अगर हम बात कर लें तो 18 से 23 साल के जो बच्चे हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं 18 से 23 साल के। अगर सिंपल सी बात की जाए तो जिनका जन्म 5 मार्च 1999 से पहले हुआ है, 1999 से पहले हुआ है, और जिनका जन्म 4/3/2004 के बाद हुआ है, वो ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो फॉर्म कौन भर सकता है, फॉर्म केवल वही भर सकते हैं जो 5/3/1999 से 4/3/2004 के बीच में जन्म लिए हों, ठीक है ना। ये आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए हो गया। यहीं पे एससी एसटी की बात करें तो 5 साल की छूट मिल जाती है, मतलब 23 और 5 कितना हो गया 28 साल के एससी एसटी कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इनको 3 साल की छूट मिलती है, मतलब 23 और 3 कितना हो गया 26 हो गया, ठीक है। अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लें तो यहाँ पे आपका हाइट मांगा गया है 170 सेंटीमीटर। अच्छा,
यूपी में सबसे ज्यादा पोस्ट निकली है कितनी, 112 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात कर लें तो कितनी है आपकी, 1149 पोस्ट निकली हुई है, ठीक है ना। ये वैकेंसी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और यूपी में 112 पोस्ट है टोटल। अगर मैं हाइट की बात कर लूं तो ये आपका जनरल ओबीसी के लिए जो आपका हाइट है 170 सेंटीमीटर है और जो चेस्ट है आपका 80 से 85, 80 जो है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का उसमें क्या चाहिए, फुलाव चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 85 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगराज, मराठा, सिक्किमीज, लद्दाख, कश्मीर वैली एंड जम्मू एंड कश्मीर एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो हाइट मांगी गई है 165 सेंटीमीटर और जो चेस्ट मांगा गया है 78 से 83 बिना फुलाए और 83 5 सेंटीमीटर का फुलाव तो जरूरी है, ठीक है ना, 83 फुलाव के बाद। तो ये आपका है जिनको छूट मिलेगी। बात करते हैं टैटू की, तो देखिए कुछ कैंडिडेट होते हैं जो टैटू गुदवा रखे होते हैं तो उनको बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन होता है उनका कि सर मैं क्या ये फॉर्म भर सकता हूँ, आर्मी और ये आपका जो फोर्स का फॉर्म है, फोर्स का वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीट जानकारी मिलती है फॉर्म से रिलेटेड और अपडेट भी मिलता रहता है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे दो तरीके, इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है, कंटेंट और लोकेशन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सिंपल मैं इनका मतलब बता देता हूँ। नॉर्मल अगर आपका कोई भी टैटू है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर बाएं हाथ पे टैटू है जो कि पीछे की तरफ हो, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे जो छुप रहा हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो टैटू की बात हो गई, बाएं हाथ पे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और दाएं हाथ पे, देखिए मैं बता देता हूँ, टैटू मार्क्स ऑन ट्रेडिशनल साइड्स ऑफ द बॉडी लाइक इनर एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म, तो जो इनर एस्पेक्ट जो छुपे हुए हो, ठीक है ना, बट ओनली लेफ्ट आर्म, केवल और केवल बाएं हाथ की बात की गई है। Being not saluting, limb or dorsum of the hands are to be allowed. ठीक है ना, तो इसका मतलब यही है, राइट हैंड पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट की। तो आपका लास्ट डेट से पहले, ये दोनों आपका लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, मतलब 4 मार्च से पहले का आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और EWS आपका 2021 का होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और ये आपका केंद्र सरकार का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप यूपी के हैं तो ये नहीं कि यूपी का होना चाहिए, किसका होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे कुल आपके 3 स्टेज हैं। पहला आपका फिजिकल होगा, दूसरा आपका रिटेन होगा, तीसरा आपका डीवी और मेडिकल होगा। तो पहले हम बात करेंगे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, ठीक है ना। अच्छा, ये जो वैकेंसी है कुल मिला के, ये आपका केवल और केवल किसके लिए है, मेल के लिए है, ठीक है ना। ये मैं शुरू में बताना चाहिए था, मैं भूल गया, ठीक है ना। तो ये मेल के लिए है। तो अगर हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका 5 किलोमीटर का दौड़ है, और कितने मिनट में है, 24 मिनट में है। कितने मिनट में, 5 किलोमीटर आपको 24 मिनट में दौड़ना है। और दूसरी बात करें PST की, तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यहीं पे आपका जब फिजिकल होगा तो आपका हाइट और चेस्ट नापा जाएगा, उसके बाद दौड़ होगी। अगर आप हाइट और चेस्ट में क्वालिफाई होते हैं तो दौड़ आपका कराया जाएगा, दौड़ में क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपका रिटेन कराया जाएगा। रिटेन के प्रोसेस को हम समझते हैं यहाँ पर। देखिए रिटेन जो आपका है, यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं आपके रिटेन में, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ठीक है। पार्ट ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात की जाएगी, 25 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन 25 नंबर, ठीक है ना। जनरल नॉलेज की बात करें, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन 25 नंबर, एंड एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो है आपका 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश या हिंदी, या तो आप 25 क्वेश्चन हिंदी के करेंगे या तो आप 25 क्वेश्चन इंग्लिश के करेंगे। तो 25, तो इस तरीके से टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन है और टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। समय की बात कर लें तो 120 मिनट आपको मिलेगा, कहने का मतलब है 2 घंटा आपको दिया जाएगा, कितना, 2 आवर्स, 2 घंटा आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग आपका नहीं है, ठीक है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। अब यहाँ पे फिजिकल जो आपका है वो कठिन है,
फिजिकल क्या है, 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना इतना आसान नहीं होता है, जब उसके साथ आपको रिटर्न भी क्वालिफाई करना हो। अब इसके बाद आपका रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होने के बाद जो अगला स्टेज आएगा आपका क्या आएगा, डीवी प्लस मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रिटर्न के बाद होगा, जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हुए हैं, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल, अगर आप यूपी के हैं तो डोमिसाइल आपको अपलोड करना है। डोमिसाइल मतलब क्या हो गया, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है ना। तो अगर आप यूपी के हैं तो यूपी के लिए आप अपलोड करेंगे, कहीं के भी हो, हरियाणा के हैं तो हरियाणा के लिए अपलोड करेंगे। तो आपको डीवी के समय वो सारी चीजें वहां पे ले जानी होंगी जो चीजें आप अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो डीवी होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद रिटर्न के बेस पर आपका मेरिट बनेगा। ये हो गया कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। और चेतावनी वही है जो मैंने शुरू में दिया था कि आपको फिर से बताया जा रहा है कि नाम पिता के नाम में और माता के नेम में, डेट ऑफ बर्थ में, इन सारी चीजों को जो भरा जाएगा वो हाई स्कूल के हिसाब से भरा जाना है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म में कोई गलती ना हो तो आप यहाँ पे, अब देखिए मैं आपको नंबर बता दे रहा हूँ, 8423370188, ठीक है। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, ये आपसे बात कर लेंगी और आपको पूरा डिटेल बता देंगी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। और कोई क्वेरी हो तो आप सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इनसे फॉर्म के बारे में कुछ नहीं पूछना है, कि कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछिएगा, कमेंट करिएगा। ये केवल और केवल किस लिए है, ये केवल और केवल आपका फॉर्म भरने के लिए है, ठीक है। आप इनको डिटेल भेजेंगे और ये आपका फॉर्म भर देंगे, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आप सभी का समय शुभ हो।